वेलकम टू माय चैनल हाउ शिवानी लिव्स। इन टुडेज़ वीडियो वी आर डूइंग द रेड फूड चैलेंज। मैं नहाकर तैयार हो चुकी हूँ और अब हम करने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेड होती है, पर क्या हमारे पास फूड वाली ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो और फिर भी वो रेड हो? क्योंकि मैं फूड कलर नहीं ऐड कर सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं खा सकती, तो मैं स्पाइसी फूड नहीं करने वाली हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं स्पाइसी वाले नूडल्स खा लूँ अपने लंच में, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि योर गर्ल कांट हैंडल स्पाइस। पता है क्या मेरी मॉम क्या बोलती है कि, मैंने कहा मम्मी रेड कोई पीने की चीज़ होती है? मम्मी कहती मेरा खून पी ले। मैंने कहा ऐसा नहीं करना है मुझे। एनीवेज बहुत हो गया मजाक, शुरू करते हैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ और हम खाने वाले हैं बहुत ही कमाल की चीज़ें इन द ब्रेकफास्ट। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। मैं ब्रेकफास्ट में लेने वाली हूँ फ्रूट्स, वो भी पूरे रेड रेड फ्रूट्स। हमारे यहाँ पे है अनार और है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई थिंक सबको ही पसंद होती है, एंड स्पेशली वो मीठी वाली। लास्ट टाइम जब मैं नासिक गई थी तो वहाँ पे मैंने खाई थी, उससे ज़्यादा बेटर स्ट्रॉबेरीज मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई है। बट लेट्स सी ये कैसे होने वाली है। काफ़ी अच्छी दिख रही है एंड ये मैंने इतनी रेड दिखने की वजह से इन्हें डबल रेट में भी लिया है। तो खा के देखते हैं कैसी हैं। मीठी है पर वो बात नहीं है नासिक वाली, बट देख लो अंदर से भी पूरी रेड है एंड काफ़ी ही डिलिशियस है। तो एक बार बता देती हूँ स्ट्रॉबेरीज का, गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे से धोकर खाया करो क्योंकि उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं, ऐसे मैंने टिकटॉक पे देखा था। अब मैं खाने वाली हूँ अनार और मैं अपना ये ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेती हूँ फटाफट से, फिर हमको अपना लंच बनाना है जिसके लिए मैंने अभी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है कि क्या बनाऊँगी मैं। आप में से किस किस को अनार पसंद है कमेंट करके बताना। अनार बहुत ज़्यादा फायदा करता है बाय द वे। अनार आपके अंदर लाइक खून बनाता है ऐसा मम्मी बोलती है मेरे को, और आयरन होता है बहुत ज़्यादा। तो या अनार मुझे बहुत पसंद है, पर उसको छीनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, वो मुझसे नहीं हो पाता है, पर मजबूरी है, अपने आप खुद छीला मैंने खुद खाने के लिए, क्या कर सकता। हमारा लंच का टाइम और लंच पे मैं खाने वाली हूँ रेड सॉस पास्ता। तो मैंने आखिरकार फिगर आउट कर ही लिया कि मैं लंच में क्या खाऊंगी, बट आई थिंक ये थोड़ा कम रेड दिख रहा है क्योंकि आज हमारे घर के जो टमेटो थे वो थोड़े कम रेड थे। तो हमने इसमें डाला है रेड कैप्सिकम एंड पास्ता। अब मैं इसको थोड़ा ज्यादा रेड बनाने के लिए इसमें ऐड करने वाली हूँ केचप, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज्यादा रेड करना पड़ेगा फॉर द चैलेंज, जो कि मैं चाहती नहीं मैं ऐड करना क्योंकि थोड़ा मीठा मीठा होता है ज्यादा ही, तो वो अच्छा नहीं लगता। बट जो भी है अब चैलेंज के लिए करना पड़ेगा एंड आई हैव टू रूइन द टेस्ट ऑफ दिस यम्मी डिलीशियस पास्ता जो कि प्रिया ने बनाया है मेरे लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा कुछ हुआ है कि किसी चैलेंज में मेरी हेल्प प्रिया ने करी है, लाइक इन कुकिंग, मतलब प्रिया हेल्प करती है बट इन कुकिंग यू कांट कॉल इट हेल्प। हो सकता है मैंने जान बूझ के कम रेड बनाया हो ताकि तेरे को केचप डालनी पड़ जाए और फिर वो तेरा टेस्ट खराब हो जाए और फिर वो एक पनिशमेंट बन जाए। फिर तू बेवड़ी है। तो गाइस अब मैं इसमें ऐड करूंगी केचप एंड हम खाएंगे उसके बाद। तो ये हमारा पास्ता हो गया है काफी ही रेड रेड और अब इसे मैं खा के बताती हूँ कैसा लगता है। मुझे लग रहा है सिर्फ टमेटो केचप का ही टेस्ट आएगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। महक भी वही आ रही है। Say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. टमाटर वाली मैगी खाई थी ना, उस जैसा हाल, उससे भी बुरा एक्चुअली, नहीं उस जितना। मेरे को ये खाना पड़ेगा क्या? मैं नहीं खा सकती। खा खा खा, खा। सब ठीक हो जाएगा। आई कैन ओनली टेस्ट द केचप, मतलब ऐसा लग रहा है आई एम डूइंग द केचप चैलेंज। बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, आई मीन सॉस लग रहा है वो। अब इतनी सॉस कौन खाता है भाई। तो गाइस अब मैं इसे ख़त्म करती हूँ जैसे तैसे जितना खा सकती हूँ, पर ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी मुझे लग रहा है, तो मुझे जल्दी स्नैक्स खाने पड़ेंगे। तो गाइज अब हो गया है स्नैक्स का टाइम। वैसे तो मैं बहुत जल्दी खा रही हूँ स्नैक्स क्योंकि मैंने लंच ठीक से नहीं किया था, आपको पता ही है वो गंदा सा केचप वाला पास्ता मुझसे नहीं खाया गया और मैंने लाइक छोड़ दिया था एज इट इज ही। और अब मैं खाने वाली हूँ बहुत ही कुछ टेस्टी सा, बट एक और चीज़ है जो मैं अभी दिखाती हूँ। तो गाइज हमारे पास है ये लाल टमेटो वाले चिप्स जो कि टमेटो फ्लेवर, आई डोंट नो किसको पसंद होता है। आपने हमारी मैगी की वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता ही चला होगा कि क्या ट्रेजेडी होती है टमेटो फ्लेवर के साथ, पर अब हमारे पास यही है क्योंकि यही रेड कलर का स्नैक्स मुझे मिला है। और साथ में है हमारे पास ये स्टिंग, ये है एक एनर्जी ड्रिंक जो कि मैं पहली बार जिंदगी में ट्राई करने वाली हूँ कैसी है। एक तो एनर्जी ड्रिंक जो होती है ना मेरे को दवाई जैसी लगती है, ऐसा लगता है कि क्या ही है ये,
एनीवेज हम पीते हैं, ये सिर्फ 20 रुपए की है, विच इज वियर्ड टू सी, क्योंकि यूजुअली एनर्जी ड्रिंक 100 रुपए से ऊपर की होती है. तो देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका, बट इट्स रेड, बिल्कुल रेड है. तो अब हम खाने वाले हैं अपने चिप्स. वैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा आज हो क्या रहा है. मैंने सोचा था आसान चैलेंज होगा, सुबह फ्रूट्स तो बहुत अच्छे थे एंड उसके बाद पास्ता, अब ये टमाटर वाले चिप्स एंड ये खांसी की दवाई. तो गाइज हम खाने वाले हैं टमाटो वाले चिप्स. ये दिखते हैं कुछ ऐसे, एकदम ब्राइट रेड तो नहीं है. अब जो है ये है, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख. अब मैं या तो इन्हें स्टिंग में डिप कर खा लेती हूँ, पर मैं ये खाऊंगी. आई नो व्हाट यू कैन डू, डिप इट इन केचप प्लीज. तेरे इस केचप वाले चक्कर में मैं अपना पास्ता भी नहीं खा पाई, वो फिर भी टी कलर का था. ऐसा करते हैं लोग मेरे साथ, भूखा मार दिया खुद किया ये अपने साथ. हाँ मतलब जो भी है, ऐसा करते हैं ये चैलेंजेस मेरे साथ. मैं भूख दियो, इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है. जी खाते हैं. ये भी अच्छी है यार. ये अच्छी हाँ, मेरे को दी मतलब ये तो सही लग रही है यार. पता नहीं एनर्जी ड्रिंक की तरह वर्क करती भी है कि नहीं, पर टेस्ट तो वैसा नहीं है, गंदा सा. टमाटर वाले चिप्स बड़े बेकार है यार. नहीं यार सही है, मेरे को तो बहुत जोर से भूख लग रही है भाई. भूख लग रही है इसलिए अच्छा लग रहा है. ये अच्छा है, टमाटर वाली मैगी से तो अच्छा ही है चिप्स. टू बी ऑनेस्ट काफी तक रेड है, मारना मत मुझे. तो मैं अपना स्नैक खा लेती हूँ मजे से, इससे तो मेरा पेट भर जाएगा, थैंक यू. और इसके बाद हम मिलेंगे आपको डिनर के टाइम पे, क्योंकि बहुत जल्दी भूख लग रही है. पता नहीं उससे पहले कुछ खाना पड़ गया तो खाना पड़ेगा, बहुत तेज भूख लग रही है भाई साहब. तो गाइज अब हो गया है हमारा डिनर का टाइम. आपको पता ही है आज का चैलेंज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा है अभी तक का मेरे लिए, क्योंकि मैंने लंच में कुछ नहीं खाया, सुबह मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए थे और जो हमारा स्नैक्स था उसमें से भी मेरे भाई बहन ने मार लिया काफी कुछ, तो मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं. तो फिलहाल अब हम करने वाले हैं डिनर. आपको एक बात अफसोस के साथ बतानी पड़ रही है मुझे फिलहाल, कि मेरे को फाइनली इस चैलेंज में स्पाइस ऐड करना ही पड़ा. मैं यहाँ पे खाने वाली हूँ शेजवान फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही ज्यादा मिर्ची वाले हैं, क्योंकि मुझे इन्हें लाल बनाना था. देन मैंने अपनी मिर्ची को कम करने के लिए थोड़ा सा टमाटर लिया है लाल रंग का, रेड टमेटो है. एंड देन मैंने यहाँ पे बनाया है चिली चीज, जो कि रेड कैप्सिकम है उसके अंदर चीज है, फिर उसके ऊपर अगेन मैंने शेजवान चटनी डाली है टू मेक इट मोर रेड. एंड साथ में हमारे पास है चिली पोटैटो. अब आप कहोगे अभी से इतना सारा खाना है क्यों? क्योंकि मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है ठीक से, इसलिए मैं बहुत सारी वैरायटी की चीजें लेके आई हूँ और अब मैंने खाऊंगी पेट भर कर. तो शुरू करें. जा सिमरन जा, जी रहे अपनी जिंदगी. जी रही हूँ. मिर्ची लगी नहीं लगी, थोड़ी सी है बस, शक्ल बता रही थी. अब कोई बात नहीं, जो भी है मैं खा लूंगी. ये मैंने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कराया, इसे खा के देखते हैं. बहन वो चीज से बना है वो, अच्छा कैसे नहीं होगा. मिर्ची लग रही है, इससे आराम मिलेगा. अबे यार ये अच्छा तो है, बस मिर्ची काफी डाल दी मैंने. चिली पटेटो तो खा लूं, पापा से स्पेशली गए थे लेने. किस किस को चिली पोटैटो पसंद है? बाय द वे मैंने एक चीटिंग करी, हनी चिली पोटैटो डाल दिया इसमें. चीटिंग नहीं है, लाल तो है ना. कैन आई आल्सो? अबे रुक जा प्लीज, हम शूट कर लें फिर खा लेना बचा कुचा. प्लीज प्लीज गाइस, सुबह से भूखी हूँ, ऐसे करते हैं, मांगते रहते हैं, मैं क्या कहूँ नहीं क्या. तो गाइस अभी मैं इसे खत्म कर लेती हूँ फटाफट से, इसमें भी काफी मिर्ची है. इसके बाद हम खाएंगे डिजर्ट, क्योंकि जल्दी खाना पड़ेगा, बहुत मिर्ची है. सो गाइस बहुत तेज मिर्ची है सब चीज में, मेरे को और कुछ नहीं समझ में आ रहा. डेजर्ट में हम गाजर का हलवा लेने गए थे तो मिला नहीं, मैं जैम खा रही हूँ. इस बारे में थोड़ी शिकायत करके ना मेरे साथ उल्टा पड़ गया. हाँ प्रिया को ज्यादा पड़ रही थी, उसने खाया उसको बहुत ज्यादा मिर्च लग गई. और तो प्रिया खा जाती है, मैं तो बिल्कुल नहीं खा जाती, सोचो मेरा क्या हाल होगा. पानी एक और चीज भी है जो की फिर जेली है, देखती हूँ रेड है भी है. गाजर का हलवा लेने गए थे तो सब ब्राउन कलर का दे रहे थे इसलिए हम लाए नहीं. मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, मुझे लगा गाजर का हलवा तो रेड ही मिलेगा, ऑरेंज था. और मैं रेड वेलवेट पेस्ट्री भी ढूंढी तो
तो मिली नहीं, अब ये खा रही हूँ। रेड है, है ना? रेड रेड रेड। अब हमें मिर्ची नहीं कम हो रही है। एनीवेज गाइस, ये था मेरा वीडियो और कुछ खाने की हिम्मत नहीं रही है। आज का चैलेंज बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा। आई डोंट नो पास हुई मैं फेल हुई, पर मैं भूख की मर गई, ज्यादा कुछ खा नहीं सकती। ये भी नहीं खा पाई मैं खाना, इतना मिर्ची थी इसमें क्योंकि। तो इसलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कर देना, बहुत तेज परेशान हो गई आज मैं पूरा दिन, और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और कॉमेंट करके बता देना अगला कौन सा वीडियो देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।